कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मॉर्निंग कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द पास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पे तीन केसेस के बारे में डिस्कशन हुआ था। एक केस आपकी थी व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर इन फेज इन डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और वहां पे जो ट्रैजेक्टरी बनी थी या पाथ बना था वो स्ट्रेट लाइन था। सेकंड केस हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर इन फील्ड फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यहां भी जो ट्रैजेक्टरी बनी हुई थी दैट इज आल्सो स्ट्रेट लाइन। नंबर थर्ड केस बना था आपका व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर इन फील्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पर जो ट्रैजेक्टरी बनी थी ये बनी थी आपकी दैट इज सर्कुलर, और सर्कुलर में भी दो पॉसिबिलिटी थी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो सारी केसेस को डिस्कस किया गया था और उससे रिलेटेड फॉर्मूले को भी हम लोगों ने डिराइव किया। अब यहाँ पर नेक्स्ट केस बनता है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर इन द फील्ड एट एनी एंगल, नॉट परपेंडिकुलर बट एट एनी एंगल विच थीटा लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90। तो नेक्स्ट केस आपकी बनी क्या कि मैं जब आवेशित कण, आवेशित कण क्षेत्र से थीटा कोण पर क्षेत्र में प्रवेश करता है। आपकी बात चार्ज पार्टिकल जो इंटर करे वो फ्रॉम थीटा डायरेक्शन, और इस थीटा की जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90। मतलब थीटा लाइज बिटवीन जीरो थीटा लेस देन 90, ये केस है। तो ये देखो आपका दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो ये चार्ज पार्टिकल जो था वो हॉरिजॉन्टल बना के किसी एंगल से, ये चार्ज पार्टिकल दैट इज क्यू मास इज एम वेलोसिटी इज वी एंड इट मेक्स थीटा एंगल, तो जैसे ही इंटर करेगा इन साइड द फील्ड ये एक एलिप्टिकल पाथ पे ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा, और जैसे एक्सिस हुआ फ्रॉम द फील्ड इट विल आउटसाइड कम्स आउटसाइड फ्रॉम सेम डायरेक्शन एट विच इट इंटर इन द इंटर इन फील्ड। मतलब जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र के भीतर प्रवेश करेगा इसका पथ कैसा होगा, कुंडलीकार स्पाइरल, सेम जैसे स्पाइरल होता है इस तरह से मोशन करता हुआ आगे बढ़ेगा, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फिनिश हुआ तो जिस दिशा से इसने इंटर कर रखा था उसी दिशा से ये बाहर आए। अब मे भी हो सकता है कुछ लोग ये सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट। तो रीजन ये है, सब लोगों ने पढ़ के रखा है कि कब जब कोई चार्ज पार्टिकल या कोई वेलोसिटी किसी एंगल पे जाती है तो उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनते हैं, है ना। तो यहाँ भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल आपका और दूसरा वर्टिकल। अगर इस एंगल को देखो, यहाँ इस एंगल को मैग्नेटिक फील्ड से जो एंगल है वो थीटा लिया जाए, नाउ वी हैव टू कंपोनेंट बी साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल हुआ बी कॉस, तो दो वेलोसिटी आई तो दो टाइप की मोशन होगी। जो बी साइन थीटा होगा वो इस चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा,
उसमें होल किसका होगा v sin थीटा का और v cos थीटा इस चार्ज पार्टिकल को एक हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोवाइड करेगा। तो रिजल्ट देखो, इंटर तो ऐसे किया फील्ड में, सर्कुलर पाथ आई, वो सर्कुलर पाथ धीरे-धीरे आगे बढ़े, यस एज लाइक स्पाइरल या कुंडली का। तो निष्कर्ष ये बन गया क्या कि जब कोई आवेशित कण क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो कण के वेग के निम्न दो घटक प्राप्त होते हैं। कौन कौन से प्राप्त होंगे? एक होगा आपका नंबर वन ऊर्ध्वाधर घटक। कौन आया? दैट वी साइन थीटा। अब इस ऊर्ध्वाधर घटक का काम क्या होगा? ये कण को एक निश्चित त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर वृत्तीय गति प्रदान करे। इस v sin थीटा का काम क्या होगा? ये कण को कैसी गति कराएगा? कण को वृत्तीय गति कराएगा, वृत्तीय गति प्रदान करे। और दूसरा कौन सा है? क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब क्षैतिज घटक में कौन आया? v cos थीटा। अब v cos थीटा क्या करेगा? इसको एक हॉरिजॉन्टल मोशन देगा, मतलब कण को क्षैतिज में रेखीय गति प्रदान करेगा। तो देखो, एक ही समय में कण दो टाइप की मोशन कर रहा है, एक तो कैसी सर्कुलर मोशन, और उसी सर्कुलर मोशन को आगे खींचना है। तो कण वृत्तीय पथ पे गति करता हुआ इस तरह से एज लाइक स्पाइरल, जैसे स्पाइरल होता है उस तरह की मोशन करता हुआ फील्ड में आगे बढ़ेगा। और जैसे फील्ड फिनिश हुआ, जैसे यहाँ पे जितने रिंग्स बने हैं सबकी रेडियस सेम होगी, इक्वल नहीं दिख रहा है, बट सबकी रेडियस क्या होगी? सेम, जैसे आपकी कॉपी का स्पाइरल होता है। और जैसे फील्ड फिनिश हुआ वैसे ये पार्टिकल फिर से फील्ड से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद जो इस पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ा था वो प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और जैसे प्रभाव समाप्त हुआ तो जिस दिशा से इसने क्षेत्र में प्रवेश किया था उसी दिशा से ये उसी पथ पे बाहर निकल आएगा। अतः कण की इस प्रकार की गति कहलाएगी कौन सी गति? कुंडलीकार गति, हेलेक्सिकल मोशन। तो निष्कर्ष बन गया क्या कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश करेगा तो कण का पथ कैसा होगा? कण का पथ होगा कुंडली का, हेलेक्सिकल पाथ पे ये मोशन करेगा। ठीक है, तो सारी केसेस हो गई कि अनुदिश दिशा में जाएगा तो किस पथ पे जाएगा, प्रतिदिश दिशा में जाएगा तो किस पथ पे जाएगा, 90 डिग्री में प्रवेश करेगा तो कैसी ट्रजेक्ट्री होगी, और थीटा डिग्री में इंटर करेगा तो कैसी ट्रजेक्ट्री होगी। और दूसरी चीज, दो तीन चीजें यहाँ पे बनती हैं, तो बनती क्या है? एक होता है यहाँ पे पिच, तो बताया गया कि एक आवर्त काल में, वन टाइम पीरियड में, ये क्षैतिज में, जैसे एक टाइम पीरियड कहाँ पास होगा यहाँ पे ना, ये क्षैतिज में कुछ दूरी तय करेगा, जैसे प्रक्षेप पड़े हो।